जोधपुर विश्वविद्यालय में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज पर शोध करने के लिए शोध संस्थान बनाए जाने के संबंध में गुर्जर समाज की आक्रोश व्यक्त की जा रही है। हिम्मत सिंह, एक गुर्जर नेता का कहना है कि संस्थान में गुर्जर शब्द को हटाया गया है, जो उनके समाज को आक्रोशित कर रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान को जल्दी से जल्दी बंद कर दिया जाना चाहिए या फिर इसमें गुर्जर शब्द को शामिल किया जाना चाहिए और गुर्जर इतिहासकारों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि गुर्जर समाज अपने पूर्वजों का इतिहास बचाने की कोशिश में है और उन्होंने राजस्थान सरकार को चेतावनी दी कि वह उत्तर प्रदेश के दादरी में हुई घटना से सबक लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के दादरी में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के दौरान एक विवाद उठा था, जिसमें गुर्जर शब्द पर किसी ने स्याही लगा दी थी। इसके बाद बहुत समय तक इस मामले पर विवाद चला था। हिम्मत सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि जोधपुर विश्वविद्यालय में गुर्जर प्रतिहास सम्राट मिहिर भोज पर शोध करने के लिए राज्य सरकार ने शोध संस्थान बनाया था, जिसमें सम्राट मिहिर भोज के नाम से अब गुर्जर शब्द हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस शोध संस्थान की टीम में सभी प्रोफेसर एक ही जाति राजपूत समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा कि इस शोध के लिए गुर्जर इतिहासकारों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि सही शोध और अनुसंधान किए जा सके। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि 13 जून 2023 को हुए पत्र के अनुसार जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार शोध पीठ की शुरुआत की गई थी।